बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सिटी 5 न्यूज़ HT के साथ मैं हूँ समीना ढाकर। टोबाटेक सिंह 29 दिसंबर जालसाजी का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। खुफिया इतला पर फूड सेफ्टी टीमों की गोजरा टाउन में घर छुप कर बीमार जानवर का गोश्त तैयार करने वालों के खिलाफ एक्शन। 16 मन बीमार जानवर का गोश्त अल्फ, मुकदमा दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार। लागर बीमार जानवर का घर में छुपकर गोश्त तैयार करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बीमार बदबूदार 16 मन गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। वेजिलेंस सेल की इतला पर बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। मुजरे से गोश्त को मौका पर ही तलब कर दिया गया। मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मयारी गोश्त मुख्तलिफ मैरिज हॉल और होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। बीमार नाकिस गोश्त का खुराक में इस्तेमाल मैदा और जिगर के मूजी अमराज में मुबला करता है। जालसाज माफिया ज्यादा मुनाफा के लालच में खुराक नहीं बीमारी फरोख्त करता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए मुसलसल चेकिंग जारी रखे हुए हैं। सेहत दुश्मन अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी जालसाज माफिया की इतला पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर दें। डीजी फूड अथॉरिटी रिपोर्ट डॉक्टर सैफुर रहमान ब्यूरो चीफ सिटी 5 न्यूज़ टोबा टेक सिंह।